गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, अभी सुबह सुबह आरवी को ब्रेकफास्ट करा रहे हैं। अभी 10:30 बज रहा है और यहाँ रौनक भी जा रहे हैं अपना खाने के लिए। ये देखिए, रौनक का फ्रूट फिर से आ गया है और ये आरवी का सूजी का हलवा है जो आरवी खा रही है, और उधर पापा की तरफ ध्यान दे करके इसको गुच्छा आ रहा है। ये क्या ही आ गया। मैं आज नहीं खाऊंगी ना पानी पीऊंगी, क्योंकि जब रौनक का तबीयत ख़राब था तो ऐसे भी मुझे 27 वाला जो आज मंडे है वो सोमवारी करना ही था, लेकिन जब तबीयत ख़राब था तो मैंने भगवान को बोला था कि अगर सब कुछ ठीक रहे तो मैं 28 को, आज के डेट को, बिना पानी पिए वो पूजा करूँगी। तो आज मुझे मंदिर जाना होगा, रौनक को लेके जाऊंगी, लेकिन अभी उनका तबीयत खराब है इसलिए बिना खाए नहीं बोल सकती हूँ। तो जब मंदिर जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी ना अरबू। फ्रेंड्स, मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और ये देख लीजिए, अब मैं बस जा रही हूँ मंदिर। रौनक भी नहा लिया है तो मंदिर में आप लोगों से मिलते हैं। मैं दिखा देती हूँ प्रिपरेशन आप लोगों को। देखिए, यहाँ सारा सामान हम लोग ले लिए हैं। फल है, दो नारियल का बात हुआ था इसलिए दो नारियल लेके जा रहे हैं। बाकी मंदिर में आप लोगों को दिखा देंगे थोड़ा बहुत। उधर आरवी भी रेडी हो गई है, आरवी भी जा रही है हम लोग के साथ थोड़ा मंदिर घूमने। आरवू चले क्या? चलो। हाँ चलो, आ रहे हैं वहाँ। फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग घर के अपोजिट साइड वाले मंदिर में जा रहे हैं। ये शिव काली मंदिर है, मतलब यहाँ पे सब लोग आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मंदिर में हम लोग आए तो लेकिन यहाँ पे पूजा नहीं दे पाए, क्योंकि अभी मतलब यहाँ पे पूजा नहीं हो रहा है शिव जी के इस मंदिर में, तो हम लोगों को दूसरी जगह जाना होगा। और मैं जा कर के पूछने चली गई थी यहाँ से कि ये पूजा होगा कि नहीं अभी, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो बंद है, अभी नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये हम लोग आ गए दूसरे शिव जी के मंदिर में जो कि रोड के अपोजिट था, तो हम लोग को रोड क्रॉस करके आना था। सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। जो मिठाई का दुकान आप लोग देखे हैं उसके पास में ही है, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ यहाँ पर पूजा करने के लिए। देखिए, ऑलरेडी बहुत पूजा हो चुका है यहाँ पर और भीड़ था बाहर में, तो मैं पूजा कर रही हूँ फटाफट। और गर्मी भी इतना ज़्यादा था मंडे को, भी कुछ कहने का नहीं, तो मुझे ऐसे ही पानी प्यास बहुत ज़्यादा लग गया था और मतलब पूरा दिन बिताना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो मैं देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी शिव जी का अभिषेक कर रही हूँ। और यहाँ पे एक और जन थे मेरे साथ जो पूजा कर रही थी। देखिए, मैं यहाँ फूल बेलपत्र ये सब चढ़ा रही हूँ भगवान जी को। पूजा करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, बस यहाँ भी मैं पूजा कर रही थी और पास में एक और बजरंग बली का मंदिर था, वहाँ भी जा रही थी पेड़ के पास। देखिए, अब मैं नारियल फोड़ रही हूँ। मैं रौनक के इसके लिए तबीयत ख़राब था इसलिए मैं जोड़ा नारियल का बात की थी कि जोड़ा नारियल चढ़ाऊँगी भगवान को, तो दो नारियल था, दोनों ही मैंने फोड़ लिया है। और अब देखिए, मीठा चढ़ा रही हूँ यहाँ पर, फ्रूट्स और मीठा देखिए मैं भगवान को चढ़ा रही हूँ। तो अच्छा से पूजा हो गया, बस थोड़ा टाइम लगा पूजा करने में। पूजा करने में तो टाइम लगता ही है। अभी मैं अगरबत्ती दिखाऊंगी और बस हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर घर जाएंगे। देखिए, कंटिन्यूस बाहर वो गाना चल रहा था इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे खाना खाने बैठ चुके हैं और मेरा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि मैं पानी भी नहीं पी सकती, इसलिए बार बार मुझे बोल रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ खाना खाने। पर देखिए, इधर बना है, आज कुछ नॉनवेज नहीं बनेगा इसलिए पनीर बना है प्रोटीन के लिए। और यहाँ पे दही मिलता है उनको, और ये दाल है ना, दाल तो ढक के रखे। ये लड़की लटक रही है बंदर के जैसा, माँ पकड़ेगी इसको तो मैं घर वाला पूजा करूँगी। फ्रेंड्स, बाकी लोगों का सबका डिनर हो गया है, मैं नहीं की हूँ क्योंकि मेरा आज फास्टिंग है, तो
इसलिए कुछ ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बिना पानी वाला भी है। तो सुबह 4 बजेगा, उसके बाद मैं देखती हूँ कुछ पानी या शरबत वगैरह कुछ पीऊँगी, बस ये सो जाए। ये आतंक मचा के रखी है, बिल्कुल ना दोपहर में सोती है ना दिन में सोती है, पता नहीं है क्या ही करती रहती है। अभी 11 बज रहा है, टाइम भी जल्दी कट नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।